नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया राफाल विमान सौदे से संबंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी किए गए हैं, इसकी जांच चल रही है। उच्चतम न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता द्वारा अयोध्या भूमि विवाद मामले को सुलझाने के फैसले को सुरक्षित रखा। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा से लगे रिहायशी इलाकों पर हमले न करने की पाकिस्तान को चेतावनी दी। सेना ने कहा किसी भी उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका और तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर MGR करने की घोषणा की। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा वैधता की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष की। और पीवी सिंधु दक्षिण कोरिया की सुंग जी ह्यून से हारकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि राफाल सौदे से संबंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी किए गए हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आज बताया कि जिन लोगों ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया है वे शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत दोषी हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी दैनिक हिंदू में चोरी किए गए दस्तावेजों के आधार पर जो लेख छपे हैं वे इस कानून का उल्लंघन करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चोरी के मामले की जांच जारी है। न्यायालय 14 दिसंबर के अपने उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है जिसमें इस सौदे के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के मुद्दे पर सुनवाई पूरी कर ली है। न्यायालय अपना फैसला बाद में सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि न्यायालय मामले की गंभीरता को समझता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से कहा है कि वे इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी बरत रही है। पाकिस्तान की ओर से होने वाली अकारण कार्रवाई और दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जाएगा जिसके परिणाम भयावह होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाने की पाकिस्तान को दी गई चेतावनी के बाद नियंत्रण रेखा पर स्थिति पहले की अपेक्षा शांत है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानी सेना ने कृष्णा घाटी और सुंदरबनी के कुछ इलाकों में भारी हथियारों से अकारण गोलाबारी की। उन्होंने भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों पर गोलियां बरसाईं जिसका भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया। भारत की ओर से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर के सिलसिले में इस महीने की 14 तारीख को बैठक होगी। इस बैठक में करतारपुर कॉरिडोर को पूरा करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत ने प्रस्ताव किया है कि बैठक के साथ उसी दिन कॉरिडोर निर्माण के तकनीकी पहलुओं पर भी बातचीत होनी चाहिए। सरकार ने गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने का निर्णय किया है जिससे गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा को सुगम बनाने की लोगों की पुरानी मांग पूरी होगी। भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि विंग कमांडर अभिनंदन का सोशल मीडिया ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है। वायुसेना का कहना है कि पिछले एक सप्ताह में अभिनंदन के फेक अकाउंट बनाए गए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे अकाउंट को फॉलो न करें क्योंकि उसमें भ्रामक जानकारी हो सकती है। भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया पर MiG-21 बाइसन विमान द्वारा पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराए जाने के बारे में भ्रामक खबरें दी जा रही हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया था कि MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमान को मार गिराया था जो नियंत्रण रेखा के पार गिरा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। नमस्कार,
मैं नितिन गडकरी बोल रहा हूँ। आज जब देश पूरे जोश के साथ डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हो रहा है तो मोबाइल फोन का भी महत्व पहले से और भी ज्यादा बढ़ रहा है, पर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का प्रयोग करना आपको हादसों का शिकार बना सकता है और आपके अरमानों पर पानी फेर सकता है। एक सुरक्षित और बुलंद डिजिटल इंडिया के लिए गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए और अपनी जान को बचाइए। जय हिंद। दिव्यांगजन अब न रहेंगे लाचार, साथ है उनके भारत सरकार। दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक 29 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले 266 प्रशिक्षण भागीदारों एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों तथा NHFDC को लगभग 169 करोड़ की धनराशि 1,57,993 दिव्यांगों के कौशल विकास हेतु आवंटित किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि व्यक्तिगत सहायक और उपकरण के लिए समर्थन, ₹5,000 प्रति दिव्यांगजन, वाहन भत्ता ₹1,000 से ₹1,500 प्रति माह, पोस्ट प्लेसमेंट सहायता ₹3,000 प्रति माह 2 से 6 महीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर संपर्क करें। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जनहित में जारी। ये जरूरी है, सुनो। मम्मी पापा, दादा दादी, मौसी मौसा, चाचा चाची, सुनो एक बात, आज गौर से क्यों टीके का वादा छोड़ दिया तुमने आधा। समझदारी दिखाओ, टीका लगवाओ, सुनहरा भविष्य अपने बच्चों का बनना। टीका लगवाओ, समझे, टीका लगवाओ। स्कूल की तैयारी फीकी पड़ जाएगी, मुन्नी की बीमारी दुगनी बढ़ जाएगी। हाल से बेहाल फिर हो जाओगे मजबूर, जब लल्ले के सपने हो जाएंगे चूर चूर। बीमारियों के खतरे से बच्चे को बचाओ, टीकाकरण का वादा पूरा निभाओ। टीका लगवाओ, समझे, टीका लगवाओ। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या ANM बहन जी से संपर्क करें। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। टीका लगवाओ। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र तमिलनाडु में कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध है। आज तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बुनकरों के लिए 70 अरब रुपए की सब्सिडी जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र 2 लाख से अधिक हथकरघों के उन्नयन में मदद कर रहा है और इनमें से अधिकांश तमिलनाडु में है। The weavers of Kanchipuram are the pride of this land. The central government is committed to promote the textile sector. The NDA government has released a subsidy of more than 7,000 crore rupees to the weavers in the country. श्री मोदी ने यह भी कहा कि देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर MG रामचंद्रन के नाम पर रखे जाने का निर्णय किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, विकास की गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लोकार्पण अभी करके मैं आया हूँ। भारत पेट्रोलियम के रायचूर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और डॉ मनमोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में G20 देशों के राजदूतों के साथ दोपहर भोज पर बातचीत की। एक ट्वीट संदेश में श्री गांधी ने कहा कि उन लोगों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और वे सभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में 61 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन किया गया। जून 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत कम लागत पर मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 18 लाख नौकरियां प्रत्यक्ष रूप से जबकि 42 लाख नौकरियां परोक्ष रूप से सृजित की गईं।
The study used 280 working days in a year as a basis for arriving at total number of jobs created. This translates to creation of 61.549 lakh jobs in total, with 18.92 direct and 42.57 as indirect. सरकार देश भर में कल जन औषधि दिवस मनाएगी। देश के 650 जिलों में 5000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे देश के 5000 जन औषधि केंद्रों को संबोधित करेंगे। लोकसभा सदस्य राजेंद्र अग्रवाल और आकाशवाणी के महानिदेशक फैयाज शहरयार ने आज संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में आकाशवाणी के 10 किलोवाट क्षमता वाले एफएम ट्रांसमीटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शहरयार ने कहा कि देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए रेडियो सबसे अच्छा माध्यम है। आकाशवाणी का मैंडेट ये है, हम बात सही कहते हैं और रिपोर्ट वही करते हैं जो एक्चुअली होता है, और फिर साफ सुथरा फोक और स्थानीय म्यूजिक, लोकल आर्टिस्ट का प्रोत्साहन, स्टूडेंट्स के लिए तालीम, ये आकाशवाणी की कुछ खसूसियतें हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय के अंतर्गत दक्षिण एशिया का सुरक्षा परिदृश्य और भारत पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल, इंद्रप्रस्थ और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जिस शहर से चलती है रोजी रोटी हमारी, उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी है हमारी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस को स्वयं संभालनी होगी अपने कूड़े की जिम्मेदारी। शहर के सभी बड़े सार्वजनिक, सरकारी, आवासीय, निजी संस्थानों को जो रोज का 100 किलोग्राम से अधिक कूड़ा बनाते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में ही कूड़े को अलग करना होगा। सूखे कूड़े को रिसाइक्लिंग के लिए निर्धारित संस्थानों को देना होगा और गीले कूड़े की प्रोसेसिंग स्वयं करनी होगी। ये कानूनन अनिवार्य है। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाएं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में। सुनो सुनो, एक खास खबर है, जॉन जोगिंदर मुरली असलम भाई। बोलो भैया, क्या है बात, ऐसी क्या लाए सौगात। जन्म से लेकर मरण तक कराओ पंजीकरण, बचपन हो या हो बुढ़ापा, जीवन में हर पल जरूरी। शिक्षा, वीजा, पेंशन, नौकरी, काहे करते लापरवाही। गांठ बांध लो मेरी बात, जन्म मरण पंजीकरण हो साथ। मिलो पंचायत सेक्रेटरी या म्यूनिसिपल ऑफिसर से और कराओ जन्म मरण पंजीकरण। हाय माँ, मैं बात करूँगी। सुनो जी मैडम जी, बच्ची का ख्याल रखा है कभी? कहाँ रहती है? पैन कार्ड है हमारे पास, तो ये होता है। थैंक यू शीला, ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का भी तो हो सकता है। अच्छा आधार? जी आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो आप सोच लो मम्मी, फायदे में रहोगी। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नीति को संशोधित कर उसकी वैधता 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी है। अमेरिका द्वारा वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास के नियमों के अनुसार ही ये नीति लागू की जा रही है। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। महिला सिंगल्स के पहले दिन सिंधु को दक्षिण कोरिया की सुंग जी ह्यून ने पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि रफाल विमान सौदे से संबंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी किए गए हैं। इसकी जांच चल रही है। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता द्वारा अयोध्या भूमि विवाद मामले को सुलझाने के फैसले को सुरक्षित रखा है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा से लगे रिहायशी इलाकों पर हमले नहीं करने की पाकिस्तान को चेतावनी दी है। सेना ने कहा है कि किसी भी उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका और तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एमजीआर करने की घोषणा की है। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा वैधता की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी है। और पीवी सिंधु दक्षिण कोरिया की सुंग जी ह्यून से हारकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।